जय श्री राम। मैं हूँ बबीता दुबे। हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को हमारे प्रिय, हम सभी के प्रिय रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाने वाली है। अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का निर्माण किया जा चुका है और मंदिर के ट्रस्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि मंदिर में श्री राम जी के सामने जो पीले अक्षत हैं, यानी कि जो पूजित किए जा चुके हैं, उन अक्षतों को घर घर पूरे भारत में सभी घर में पहुंचाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो पीले अक्षत जो हैं वो सभी देशवासियों तक पहुंच सके, इसके लिए एक योजना चलाई गई है। हर शहर के मंदिरों में इन पीले अक्षत को पहुंचाया जा रहा है, किसी कलश में डालकर पहुंचाया जा रहा है और वहां से वहां के लोगों के द्वारा घर घर जाकर पीले अक्षत। और ये देखिए, ये जो रामलला के मंदिर की जो ये फोटो है, जो अभी मंदिर बना हुआ है राम जी का, उसकी ये फोटो दी जा रही है और साथ में ये पीले अक्षत भी दिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये पीले अक्षत इस प्रकार कोई पॉलीथीन में लाकर दे रहा है, कोई कागज में लाकर दे रहा है, लेकिन ये सभी चीजें हम सभी हिंदुओं को दी जा रही हैं। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही गर्व की बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि देखिए, ये योजना जो चल रही है ये 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ही चलेगी और इसका लाभ हम सभी भारतवासियों को मिलेगा। घर घर पहुंचाया जा रहा है ये पीला अक्षत और ये रामलला जी के जो मंदिर की जो फोटो है ये, और साथ में देखिए ये एक पत्र समझ लीजिए और है, इसमें आपको पूरा विवरण मिलेगा कि राम मंदिर का जो निर्माण किया गया है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, किस किस चीजों का जीर्णोद्धार किया गया है, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो साथ में हमें ये एक पत्र भी प्राप्त होगा और ये जो फोटो है ये भी, तो इसे तो हम अपने मंदिर में सजा कर रख लेंगे, लगा कर रख लेंगे, ठीक है। लेकिन बात उठती है कि ये जो पीले अक्षत मिल रहे हैं हमें, देख रहे हैं ना, ये पीले अक्षत मिल रहे हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, है ना। सभी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। तो इसी टॉपिक पर मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ कि हमको करना क्या चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो पीले अक्षत होते हैं, ये जो हल्दी रंगे हुए चावल होते हैं इसे कहते हैं पीले अक्षत, इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये पीले अक्षत, वो भी राम मंदिर में पूजित किए हुए चावल हैं, कोई ऐसे वैसे चावल नहीं है, राम मंदिर में पूजित किए हुए अक्षत हैं, तो बहुत ही शुभ है। इनका इस्तेमाल हमें कैसा करना चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आपको करना ये है कि आप थोड़े से चावल और ले लीजिए और उन्हें थोड़ा गीला कर लीजिए, थोड़ा हल्दी मिला लीजिए। मिलाने के बाद ये वाले जो है ना मंदिर से मिले हुए जो राम जन्मभूमि के ये अक्षत, इनको भी उसी में मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या है, वो चावल थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इन चावलों को कहाँ कहाँ रखना है, देखिए मैं आपको बता दूँ। इनमें से थोड़े से चावल को आप जिपर बैग में भरकर या फिर किसी प्लास्टिक के डब्बे में भरकर या कागज में बांधकर आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े से चावल आपको अपने धन रखने के स्थान पर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होती जाएगी। और तीसरा, आपको अपने घर की रसोई घर में भी थोड़े से पीले अक्षत जरूर रखना चाहिए, ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। और देखिए, पूजा घर में आप जो पीले अक्षत रखेंगे इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपके घर में आपके बच्चों का बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है या घर में कोई भी खुशी का प्रोग्राम है, तो उस चीज में आप लोग इसको आशीर्वाद स्वरूप ये समझिए कि अयोध्या के राम मंदिर से हमारे लिए ये आशीर्वाद स्वरूप पीले अक्षत आए हैं, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनको जैसे कैसे साउथ इंडियन लोग कैसे सिर में छिड़क कर आशीर्वाद देते हैं, उस प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही वो जानकारी थी कि पीले अक्षत आ तो रहे हैं, लोगों के ये सवाल भी आ रहे हैं कि पीले अक्षत जो आ रहे हैं तो इनका हम करें क्या। तो देखिए, पीले अक्षत का इस्तेमाल आपको ऐसे करना है कि इन्हें आप संभाल कर रखें, इन्हें वेस्ट ना करें, बहुत ही अमूल्य है ये पीले अक्षत, बार बार नहीं मिलेंगे, है ना, इसलिए आप लोग इन्हें बहुत संभाल कर रखें। और दूसरी बात ये करते हैं कि 22 जनवरी के दिन हम लोगों को करना क्या है। देखिए, हम भारतवासी हमें अयोध्या तो पहुंचना ही चाहिए, लेकिन यदि हम लोग अयोध्या ना पहुंच पाए तो हम क्या करें। देखिए, हमें जैसे दिवाली में खुशियां मनाते हैं ना, ठीक वैसे ही आज हमारे रामलला के मंदिर का निर्माण हो चुका है,
और उनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी 22 तारीख को। तो इस खुशी में हमें अपने घर में दिवाली के जैसे सजाना चाहिए। जैसे दिवाली में हम अपने घरों को सजाते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने घरों को सजाना चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए, बंधन वार से सजाना चाहिए, घर में लाइट करें, डेकोरेशन करें, है ना। और यदि ये सब ना कर सके तो, लेकिन देखिए जो छोटे से छोटा वर्ग का भी आदमी है, वो शाम के समय अपने घर में 5 दीपक जरूर जलाए, 5 दीपक जरूर जलाने चाहिए। देखिए पंच दीपक का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, बहुत ज्यादा शुभ भी रहते हैं, पंच दीपक आपको जलाने चाहिए। देखिए जो सामर्थ्यवान है वो शुद्ध घी के जलाएं, और जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिनके यहाँ घी नहीं है, तो वो तेल की भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 22 तारीख के दिन शाम के समय हर घर में 5 दीपक जरूर जलने चाहिए। इसमें से कितने दीपक आपको कहाँ रखने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए इसमें से 1 दीपक आपको अपने घर के मंदिर में पूजा घर में रखना है, 2 दीपक आपको अपने रसोई घर में रखना है माता अन्नपूर्णा के नाम से, 3 दीपक आपको अपने घर की तुलसी माता में रखना है, और बाकी बचे हुए 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में यानी कि मेन गेट में रखना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर साल भर बनी रहेगी। और देखिए हम सब खुशी मना रहे हैं कि हमारे रामलला के मंदिर का निर्माण हो चुका है, और प्रभु श्री राम भी 22 तारीख के दिन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो इस खुशी को हमें मनानी ही चाहिए, इसे हमें दीपावली के रूप में मनाना चाहिए। आप चाहें तो बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा संख्या में भी दीप जलाकर मना सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ ना भी कर पाए तो 22 जनवरी के दिन आपको कम से कम 5 दीपक जरूर जलाने चाहिए। 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन हम सबको ये सब कार्य जरूर करने चाहिए। हम शाम के समय क्या करें, कितने दीपक जलाएं, अयोध्या से आए हुए पीले अक्षर का हम क्या करें, जो फोटो मिली है इनका हम क्या करें, ये सारी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के लिए आई थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।